जी चलिए ये बताइए कि हमारा नेशनल एंथम जो है कितना लंबा है? 52 सेकंड। करते हैं हम कभी भी 52 सेकंड में, 53-51 होता रहता है कभी किसी ने कुछ नहीं बात। रिपब्लिक डे आने वाला है, आइए हम भी देखते हैं कि आईआईटी के लड़कों को भारत के बारे में कितनी जानकारी है। इंडिया कौन से साल में इंडिपेंडेंट हुई थी? 1947। और रिपब्लिक? 1950। व्हेन इज आवर रिपब्लिक डे? 26 जनवरी। एंड व्हेन डिड वी हैव आवर फर्स्ट रिपब्लिक डे? 1950। व्हिच ईयर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट? 1947। एंड रिपब्लिक? 1950। आई थिंक 1950s। यस 50? जी सही है। 26 जनवरी का पता हो क्या होने वाला? 26 जनवरी को एक झंडा फहराते हैं हम। पापा की परी तो मैं हूँ। करंट प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की राजनाथ कोविंद? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। करंट प्रेसिडेंट? अरे यार रामनाथ कोविंद। गेस गेस जस्ट गेस। करंट प्रेसिडेंट राजनाथ कोविंद। हाँ जी एकदम सही जवाब। रामनाथ कोविंद तो नहीं? नहीं राजनाथ कोविंद है शायद। कैमरामैन आपको क्या लगता है? रामनाथ। रामनाथ कोविंद। तो आप राजनाथ? हाँ नहीं, नाम बदलने से पर्सन बदल जाता है। जो नेशनल फ्लैग के जो 3 कलर्स होते हैं क्या क्या चीज़ स्पेसिफाई करते हैं या सिम्बलाइज करते हैं? हरा रंग खुशहाली दिखाता है और सफ़ेद रंग शांति दिखाता है और केसरिया क्या दिखाता है? केसरिया वो त्याग बलिदान वगैरह वो सब दिखाता है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। व्हाइट फॉर सफेद Saffron is for sacrifice, white is for peace, and green is for prosperity. Who has written national anthem of it? And in which language was it? Bengali. How many? What is the length? 52 seconds. Who wrote the national anthem of India? Rabindranath Tagore. And who wrote Bande Mataram? Bande Mataram. Sardar Vallabhbhai Patel. सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंकलाब जिंदा बोस वाज लाइक बाय भगत सिंह नॉट वंदे मातरम। I think maybe next question. Okay, I'll give the initials of the like he was BCC, not BCCI. BCC. Bankim Chandra Chatterjee. Who has written Vande Mataram? Bankim Chatterjee. Chandra Chatterjee. Bankim Chandra Chatterjee. Yeah. Vande Mataram love with Rabindranath Tagore. ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईआईटी वाले स्टूडेंट से क्या? अच्छा वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ओह माय गॉड क्या हुआ? आर यू श्योर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है? बंकिम का नहीं, इनको लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ना ना। अच्छा तो नेशनल एंथम। इंडिया का नेशनल फेस्टिवल क्या है? नेशनल फेस्टिवल वेजिटेबल। वेजिटेबल नेशनल वेजिटेबल भी होता है क्या? करेला होता है।
जी सॉरी, नेशनल वेजिटेबल कुछ नहीं होता अपने इंडिया का. वेजिटेबल आई नेवर न्यू इंडिया हैड नेशनल वेजिटेबल. या इवन आई न्यू बिकॉज़ इंडिया डोंट हैव ए नेशनल वेजिटेबल. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बर्ड. पीकॉक. वेजिटेबल. वेजिटेबल भी नहीं है नेशनल. हेलो ट्रिक क्वेश्चन नहीं है. लैंग्वेज लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है कोई भी इंडिया की. अच्छा लाल बाल पाल को आप जानते हैं? लाल बाल पाल लालू प्रसाद. लालू प्रसाद जी. अगर इतने महान आदमी होते तो अभी जेल में नहीं होते. लाल बचेंद्री पाल जी आप जानते हैं? माउंटेन. हाँ जी ऐसे ही बोला माउंटेनियर. अच्छा लाल और पाल बचे हैं. लाल पाल लाल बहादुर शास्त्री. लाल बंगाधर. लाल बंगाधर तेरा क्या बोल रहे हैं? क्या आपको पता लाल बाल पाल कौन थे? अच्छा हाँ बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री जी. लाल और बाल गंगाधर तिलक और पाल था सत्येंद्र पाल ऐसा कुछ था मेरे हिसाब से. हुआ लाल बाल एंड पाल. लाला लाजपत राय. बाल गंगाधर तिलक और एक सम पाल. विच पाल? बंकिम चंद्र पाल. बंकिम चंद्र पाल आता तो नहीं है वही. इट्स बिपिन चंद्र पाल. लाल बाल पाल को जानते हैं? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक. लाल बहादुर शास्त्री. और बाल गंगाधर तिलक. लाल पाल बचे. बाल बचे. पाल 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 इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. पाल बिपिन चंद्र. नहीं नहीं संपाल मनीष पाल. ओके लाल बहादुर शास्त्री नहीं है वैसे. लाल से लाल से लाल लाल से लाला राजपत राव. लाला राजपत राय. बाल से बाल गंगाधर तिलक. बाल से नहीं मालूम. बाल से बिपिन चंद्र पाल. बिपिन चंद्र पाल सही तो कह रहे थे. अच्छा ये बताइए कि लौह पुरुष किसे कहते हैं अपने इंडिया? आयरन मैन सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल. यस ओके. उनका स्टैचू भी बन रहा है अभी. आयरन मैन. आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल. पापा की परी तो मैं हूं. टोनी स्टार्क भी है आयरन मैन हमारे हिसाब से तो. मार्वल के जो हीरो हैं. आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एक आयरन मैन तो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर. अपने इंडिया का आयरन मैन कौन है? सलमान खान ले लो. क्यों सलमान खान ले लो? क्या मतलब क्या ले लो? क्यों ले लो? क्यों ले लो? टोपा होगा. टोपा होगा भी. टोपा का होता. अभी को ले लो. अभी आयरन मैन ये बताओ. सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है. अच्छा लौह पुरुष बोलना भाई हिंदी में पढ़ के. हम लोग क्या जी आप लौह पुरुष के इंग्लिश में करेंगे तो क्या होगा? आयरन मैन ऐसा थोड़ी रोता है. अच्छा सो हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन. यू वांट टू चेंज इट? लॉक लॉक. राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद. कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? कैपिटल ऑफ गुजरात? आप लोगों से पूछनी जरूरत नहीं क्योंकि आप गुजराती हैं. पाकिस्तान. पाकिस्तान का कैपिटल गांधीनगर. इस्लामाबाद. आर यू श्योर? कराची. कराची. मैं डूब. अच्छा आप डूबना चाहती हैं जी? हमारी वीडियो सामने नहीं डूबी तो अच्छा रहेगा. लाहौर है. आप सब गलत है. लाहौर जी. कराची का जी. मैं भी गलत हूँ. इस्लामाबाद है. नहीं नहीं बोला जी आपने. इस्लामाबाद बोला था. अच्छा हाँ आप सही हैं. सॉरी मैं सही हूँ. सॉरी. हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर? 28 एंड 7. ओके आई थिंक इट शुड बी 29 नाउ. एनसीआर 28 और 29? 29. You think NCR is an issue? Oh yeah, Telangana. Okay, cool. State 29?
अच्छा हाँ 29 तेलंगाना बन गया ना अभी हाँ और हाँ से 29 एंड यूनियन टेरिटरीज 7 28 बोला लो उसने 29 पक्का 30 एक्स्ट्रा कौन सा आ गया पता नहीं बड़े तो थे 29 महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए महात्मा गांधी हुए थे तुम्हारे गुजरात में पोरबंदर हाँ देखो मुझे लगा आप लोग बोलेंगे कि घर पे पैदा हुए थे नहीं उस टाइम भी इतना अस्पताल चलते हैं तो घर पे आती थी दाई माँ महात्मा गांधी की वाइफ का नाम क्या महात्मा गांधी का पूरा नाम जानने के सबको पता होगा अच्छा आपको पता है कि नहीं पता है चलिए कम से भी तो पता है वाइफ का नाम देखिए यार कुछ रमक नहीं कुछ देवी था अरे यार नहीं तीन अक्षर का था कुछ देवी क्या वो ढाई अक्षर भी हो सकते हैं अरे कुछ था यार मुझे याद है ये 3.5 अक्षर भी अरे यार मीरा भाई नहीं बेब मीरा भाई कहाँ से आए मीरा भाई कहाँ से भाई वो कृष्ण अरे कुछ था यार देख मैं बताता हूँ ठहर जा One eternity later यार अरे यार कुछ 2-3 अक्षर का था मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्या है जी उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी अच्छा हाँ कस्तूरबा गांधी फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट अच्छा ये यार प्रतिभा पाटिल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही जाता है मेरे को पता अच्छा हाँ वो देवी सिंह पाटिल मैं हम उनको ऐसे ही बोलते प्रतिभा पाटिल who was the first home minister of India home minister yeah does India have a home minister yeah we from the independence we have home minister home minister gruh mantri home minister kaun jaane अच्छा हमें बताता हूँ ना पटेल ही होगा पटेल तो नहीं होगा पटेल ही थे मेरे हिसाब से कौन अपने पार्थिव पटेल पार्थिव पटेल उसके दादा है पार्थिव पटेल के दादा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा बोलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आप ऐसे बोल रहे हैं कि आपके घर का दोस्त हो वल्लभ भाई हु इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू नॉट लता मंगेशकर सरोजिनी नायडू आर यू श्योर या लता मंगेशकर लता मंगेशकर तो भारत रत्न भी मिला हुआ ओके लोग एक्चुअली सरोजिनी नायडू अरे यार नायडू ओके सरोजिनी नायडू लता मंगेशकर तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सरोजिनी नायडू इज द फाइनल आंसर लॉक कर दी आपको कुछ नो ओके कमेंट कमेंट करें ओके एंड प्लीज सब्सक्राइब आल्सो ओके थैंक यू